नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट एट एट। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग बनने के बाद नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश भर में हुंकार भर रहे हैं, वो बताने के लिए काफी है कि वो अपने मिशन को लेकर किस कदर संजीदा हैं। वहीं उनके भाषणों में एक दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिल रहा है, वो है खुद की छवि में बदलाव का। पिछले कई भाषणों में मोदी ने अपनी सेक्युलर इमेज बनाने की कवायद तेज कर दी है। शायद मोदी भी समझ रहे हैं कि अगर सर्वमान्य नेता बनना है तो सबको साथ लेना ही होगा। डिबेट एट एट में आज चर्चा कि क्या मिशन 2014 की कामयाबी के लिए मोदी वाकई अपनी इमेज को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं, क्या कोई नया सियासी पैतरा है मोदी का ये मेकओवर प्लान। गुजरात के मुख्यमंत्री अपने मिशन 2014 पर पूरी तैयारी और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी झलक अब उनके भाषणों में नजर आती है। मोदी खुद को एक मॉडरेट नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, अपनी हिंदुत्ववादी छवि से पल्ला झाड़ने का साफ संदेश देने की कोशिश में लगे नरेंद्र मोदी। हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ मिलकर चलने की अपील कर रहे हैं। तो क्या है बदली छवि और इस अंदाज के मायने, इस रिपोर्ट में देखते हैं। गरीब हिंदू भाई मुझे बताएं, क्या आपको मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? किसके खिलाफ लड़ना है, किसके खिलाफ लड़ना है? मैं गरीब मुसलमान को पूछता हूं, आपको हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? पटना के गांधी मैदान से आया नरेंद्र मोदी का यह संदेश साफ बता रहा है कि बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी का मेक ओवर प्लान अब धीरे धीरे परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है। वो मोदी जिनको अपने ही कार्यक्रम में कुछ माह पहले मुसलमानों द्वारा दी गई टोपी पहनने से ऐतराज हुआ करता था, वो मोदी जिनका पीछा कई साल पहले हुए गोधरा कांड के कलंक से छूटता नजर नहीं आ रहा है, वो नरेंद्र मोदी जिनको राजधर्म का पाठ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ाना पड़ा था, वही मोदी अपनी चुनावी जनसभाओं में भ्रष्टाचार, कुशासन, बिगड़ती कानून व्यवस्था के साथ साथ मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी के मुद्दे को उठाते दिखाई दे रहे हैं, वहीं विकास में उनकी भागीदारी भी गिना रहे हैं। बिहार के गरीब मुसलमान के पास पैसे नहीं है, वो बेचारा हज करने जाएगा कैसे? गुजरात में दो जिले, कच्छ जिला और भरूच जिला, जहां मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा अगर कोई जिले की प्रगति हो रही है तो वो कच्छ जिले की और भरूच जिले की हो रही है, जहां मेरे मुसलमान भाई ज्यादा है। मोदी की भाषा और विचारधारा और चुनावी मुद्दों की प्राथमिकताओं में मुसलमानों का मुद्दा जुड़ना यकायक नहीं है। वास्तव में ये आरएसएस की सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। संघ परिवार समय की आवश्यकता और देश के मिजाज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक एजेंडा परोक्ष रूप से तय करता है। जिस समय बीजेपी की राजनीतिक कमान अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के हाथों में थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को लगातार मॉडरेट नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता रहा है। गुजरात में जब तक मोदी को एक कट्टर हिंदू नेता प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता महसूस की गई, तब तक मोदी आडवाणी के मुकाबले ज्यादा प्रभावी और प्रखर हिंदुत्व के पोषक माने जाते रहे, और अब जब देश की कमान मोदी को सौंपने की कोशिश है, तब उनको एक लिबरल नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आरएसएस की तरफ से बकायदा एक अलग प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश को सौंपी गई थी। इंद्रेश जी को ही मोदी की जनसभाओं में मुसलमानों को जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी वानगी राजस्थान के जयपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल की जनसभाओं में देखने को मिली है। 60 वर्षों के बाद भी जो उनकी गरीबी, पिछड़ापन, उनके अंदर की अनपढ़ता, उनके अंदर के और बुराइयां दूर हो जाने चाहिए थी, सुविधाएं देने मिलने के बाद भी वो नहीं हुई है। इसलिए संघ का बहुत सुनिश्चित मत है, और मैं इसको कहता भी हूँ, डोंट ट्रीट देम ओनली एज ए वोट। वह इस देश के वैसे ही नागरिक हैं जैसे सारा समाज इस देश का नागरिक है। ये कहूंगा संघ मुसलमान को
इस देश का भारतीय हिंदुस्तानी हिंदू नागरिक के रूप में मानता है। बीजेपी से अल्पसंख्यकों को, खास तौर पर मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में हुई थी। देश के चुनिंदा शायरों को इकट्ठा करके कौमी एक जाति कारवां निकाला गया था, लेकिन इसमें पार्टी को खास कामयाबी नहीं मिल पाई। अभी एक बार फिर चुनाव के मद्देनजर इस प्रयोग को फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। देखना है कि लोकसभा चुनाव और इससे पहले हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मुसलमानों का समर्थन बीजेपी को मिलता है या नहीं, और यहीं से तय होगी मोदी की बदली सियासत की दिशा। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से के विक्रम राव साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कानपुर से सतीश महाना जी हैं, उपनेता हैं भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के। नोएडा से हमारे साथ फिरोज बख्त साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंदौर से के मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सतीश जी, मेरा पहला सवाल आपसे, हम सबको ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की भाषा शैली में कुछ बदलाव आया है, वो बदलाव कुछ संकेत दे रहा है, क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा राष्ट्रीयता की और राष्ट्रभाव की बात करी है। उन्होंने गुजरात में कभी भी हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं किया। आपको याद होगा जिस समय एक इंटरव्यू एक वरिष्ठ पत्रकार ले रहे थे तो उन्होंने कहा मैं 6 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कभी व्यक्ति को जाति और धर्म में बांटने का काम ना तो कभी किया था ना आज कर रहे हैं। ये धर्म और जाति में बांटने का काम तो अन्य राजनीतिक तथाकथित अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग करते हैं, एक वर्ग विशेष को डराने का काम करते हैं, उन्हें झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस देश में समग्र विकास और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। वो कहते हैं अच्छा मुसलमान, अच्छा सिख, अच्छा हिंदू, अच्छा ईसाई इस देश को अच्छा बना सकता है। उन्होंने कभी भी किसी भी वर्ग विशेष या किसी भी संप्रदाय विशेष के खिलाफ कभी भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करी है। ठीक है, के मिश्रा जी, आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी वो पहले वाले ही मोदी हैं या फिर कुछ बदलाव है उनमें? चले के मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद नहीं पहुंच रही है। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी एक बदलाव के साथ लोगों के सामने अब आ रहे हैं, या फिर जिस बात को महाना साहब कह रहे हैं कि वो तो हमेशा से 6 करोड़ या 5 करोड़ गुजरातियों की बात करते आए और अब वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं? शेखर, ये बदलाव किस माने में है? इन्होंने देख लिया टोपी न पहनने से क्या प्रतिक्रिया हुई, और कल ये हिंदू मुसलमान से को मिलाकर गरीबी हटाओ की बात करते हैं, तो ये तो माहिर शतरंज के खिलाड़ी हो गए हैं जो हर मोहरे को बड़े संभल के चल रहे हैं। अब विग्रह से जाति विग्रह की बात करते थे, अब ये सामंजस्य की बात करते हैं। मुझे लगता है ये अटल बिहारी वाजपेयी की लीक पर चल रहे हैं। 1956-57 में लखनऊ की मोहल्लों में अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा करते थे कि मुझे सिर्फ हिंदुओं को वोट चाहिए, मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए लोकसभा चुनाव में। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी बदले हिंदू नेता से वो देश के नेता बन गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण ये भी अपना रहे हैं, नकल करें बल्कि मोदी, और कोशिश कर रहे हैं ये सर्व इनकी सर्वमान्यता सर्वग्राह्यता बन जाए। तो जो पटना में कल किया है वो साफ तौर पर एक शतरंज की चाल है। अब ये जरूर है कि मुसलमान कब तक स्वीकार करते हैं, और हिंदू तो कम्युनल नहीं होगा, हिंदू तो सेकुलर है और सोच समझ के वोट देगा। मुसलमानों से इस बार हिंदू अलग है, मुसलमान भले झुंड की तरह वोट दे, हिंदू झुंड की तरह वोट नहीं देता है। तो नरेंद्र मोदी को कितना मुसलमानों का वोट मिलेगा अभी नहीं कहा जा सकता, झूठी है। ठीक है, महाना साहब उस पर आपत्ति जता रहे हैं राव साहब, जो आपने अभी अटल जी के बारे में कोट किया है। ये शायद पैदा नहीं हुए होंगे, लखनऊ में रहता हूं, 1956 में सुना है या लोकसभा बाई इलेक्शन में, राजनीति में कब से यहां है? इतिहास गवाह, इतिहास जो पैदा नहीं हुआ था मैंने और आपने, हो सकता है कि मैंने आजादी नहीं देखी 1947 में, लेकिन मुझे पता है कि आजादी के समय में क्या हुआ था। आज से 100 साल पहले क्या हुआ था हमारे को और आपको पता है, कुछ जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पैदा हो तभी उस बात को देखेगा। अटल जी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी आज तक हिन्दुस्तान में किसी ने नहीं करी जो ये आप कर रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव में लड़े थे,
शिवराज नेहरू के खिलाफ, ठीक है, लोग जी के खिलाफ, ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बक्सर में आपसे जाना चाहूंगा कि जिस बात को हम उठा रहे हैं कि मोदी के भाषणों में अब बात ऐसी हो रही है, अगर उन्होंने भले कभी ना कहा हो कि मुसलमान हमें वोट दें ना दें, वो अलग चीज रख दें अलग, उन्होंने लेकिन अब ये बात तो कही है ना कि मुसलमान क्या चाहता है, मुसलमान गरीबी से लड़ना चाहता है, ऊपर आना चाहता है, या फिर कत्लेआम चाहता है। हिंदुओं के लिए भी उन्होंने उसी तरीके से एक सवाल हिंदुओं से और एक सवाल मुस्लिमों से दागा। देखिए, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी अगर मुसलमानों की बात कर रहे हैं और उनको अपने फोल्ड में लेकर आना चाहते हैं, अगर ये मन परिवर्तन है तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है और इसका स्वागत न सिर्फ हिंदू बल्कि सभी लोग करेंगे, मुसलमान भी। अगर ये मन परिवर्तन नहीं है और ये सिर्फ इलेक्शन को देख के किया गया है तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मन परिवर्तन है भी तो मोदी जी अगर ये स्टेप साल भर पहले ले लेते तो शायद उनके ऊपर ये आक्षेप नहीं आता, इल्जाम नहीं आता कि देखो जी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, बिना मुसलमानों के वोट के नहीं बन सकते, तो अब ये उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये काम अगर मोदी साहब पहले कर लेते, साल भर पहले कर लेते जो आज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उनकी राह जो है वो पीएम कैंडिडेट नहीं है, उनको गुजरात तक सीमित रखा गया था। एक चीज मेरी बात पूरी होने दें शेखर जी, मुझे याद आ रहा है 1998 में अटल बिहारी जी आए थे वो यहाँ चांदनी चौक के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इधर हौस काजी पे उन्होंने विजय गोयल के लिए एक तकरीर की थी, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने वाक्य बोला था, मुझे आज तक याद है। अगर इस वाक्य को ये अपना ले मोदी जी, उनका वाक्य था कि मुसलमान हमारी संतान की भांति हैं, हम उनके साथ बराबर का सुलूक करेंगे। यदि ये सेंटेंस भी मोदी जी बोले तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने सही तरीके से अपना मन परिवर्तित किया है, शायद कुछ मुसलमान, मैं सारों की बात नहीं कर, हो सकता है कुछ मुसलमान भी अपना मत परिवर्तित, ठीक है, इस तरीके की बातें आ भी रही हैं। के मिश्रा जी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, क्या आपको भी लग रहा है कि मोदी वक्ती तौर पर अपना हृदय परिवर्तन दिखा रहे हैं या फिर वाकई बदल गए हैं या फिर दरअसल बिल्कुल नहीं बदले हैं, केवल लग रहा है? शेखर साहब, देखिए मैं सीधा और थोड़ा तीखा संवाद करूंगा कि मोदी साहब वक्त के हिसाब से और प्रांतों के हिसाब से, जनता की उपस्थिति के हिसाब से अपनी भाषा शैली, चाल और चरित्र बदलते हैं। जिस व्यक्ति की विचारधारा सांप्रदायिकता के गर्भ से पैदा हुई हो, वो व्यक्ति यदि झांसी में जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो अपने आप को ट्रेन में चाय बेचने वाला बताते हैं, नहीं वो पटना में, गुजरात में रहते हैं तो ट्रेन में आग लगवा कर दंगा करवाते हैं, बिहार में जाते हैं तो मुसलमान गरीबों की बात करते हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से संघ विचारधारा भाजपा और मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि यह तो कहावत वैसी है कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 2002 में वो हज पर जाने वालों की भी बात कर रहे हैं, मोदी ने पटना में हज पर जाने वालों की भी बात की है। ये कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। मिश्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास और सतीश महाना जी से इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन जिस तरह से मोदी क्या वाकई बदल रहे हैं, ये चर्चा जारी है एक ब्रेक के बाद भी। प्रायोजक हैं कॉन कूलपिक्स S6500 सिंपली वाओ। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। आइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ, नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। Seven out of ten new vehicles choose Exide. And you? India moves on Exide.
जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप, अब त्वचा को गुनगुनाने दो। होशियार खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले सच सच MDH। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी, पर मच्छर ने इनका माकड़ छीन लिया। 2012 मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। मच्छर जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं, किल पेस्ट्स, किल डिजीजेस। Neuril 2000 with tea tree oil and lime, skin itni clean or fresh fresh ki mama ki ladli ban jaye papa ki fan. देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। अंग्रेजों की कूटनीति थी हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना, पर सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि थी सारे हिंदुस्तान को एक बनाकर आजाद करना, और इस तरह सरदार ने हिंदुस्तान की सारी 562 रियासतों को एकजुट कर निर्माण किया एक अखंड भारतीय गणतंत्र का। उसी सरदार के सम्मान में निर्माण होगा उनकी एक भव्य और अतुल्य प्रतिमा का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात में नर्मदा नदी की गोद में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका शिलान्यास करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर। सरदार साहब का एक विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बने, और इस स्मारक को बनाने में आप भी हिस्सा लें। सरदार ने देश को एक बनाया था, हम उसे श्रेष्ठ बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। पीसी जूला के फेस्टिव ऑफर में आप पा सकते हैं 36 स्कोडा कार्स, 30,000 की डायमंड ज्वेलरी की हर खरीद पर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन फ्री, और 60,000 की गोल्ड ज्वेलरी की हर खरीद पर 0.5 ग्राम गोल्ड कॉइन फ्री, साथ ही लाखों की डायमंड ज्वेलरी और सिल्वर कॉइन्स। पीसी जूला, जूला फॉर जेनरेशंस। डिश टीवी का सुपर फैमिली पैक, इसमें यू टीवी है, वो गोभी है, डिस्कवर वेरी गुड, 220 चैनल्स 220 रुपए में, यानी 1 रुपए में एक चैनल हर महीने, इतने से में इतना कुछ और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी पूछ लो। ऐसा खाना किस किस को पसंद है, पर याद रहे इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज, इसलिए आपको चाहिए बेस्ट प्रोटेक्शन, कोलगेट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। देखिए ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं, एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सॉल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे बेस्ट प्रोटेक्शन। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। तो आज चर्चा हो रही है कि क्या मोदी का कोई मेकओवर प्लान है, या फिर जैसा महाना साहब ने इस चर्चा की शुरुआत में कहा कि नहीं, मोदी तो वैसे ही थे। यह बात सच है कि मोदी अब तक अपने भाषणों में 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते आए, लेकिन अब वो अलग से सवाल मुस्लिमों से भी पूछ रहे हैं और हिंदुओं से भी पूछ रहे हैं, विकास का ही सवाल वो दोनों से पूछ रहे हैं। हमारे साथ के विक्रम राव साहब लखनऊ से हैं, सतीश महाना जी हैं बीजेपी के कानपुर से जुड़े हैं, नोएडा से मेरे साथ फिरोज बग साहब हैं, इंदौर से के मिश्रा जी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सतीश जी कि क्या एक ऐसी स्थिति है कि मोदी को भी बीजेपी को भी ये लगता है, मोदी को भी ये लगता है और मुस्लिमों को भी ये लगता है कि एक बीच की लाइन तो निकालनी पड़ेगी। फर्ज कीजिए कि आपकी बात ही अगर सही हो जाए कि लहर चल रही है, मोदी पीएम बन जाए, तो फिर अगर मुसलमान की खुली मुखालफत होगी तो जाहिर सी बात है कि आखिर में हो सकता है कि उसको दिक्कत हो जाए। नहीं, कभी भी मुसलमान की खुली मुखालफत कभी भी नहीं हुई। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं
कानपुर में पिछले लोकसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के थोक वोट से जीतूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने कहा कि हम सबके वोट से जीतेंगे। हम कहते हैं हम सबके वोट से जीतेंगे तो हम सांप्रदायिक हो गए, और ये एक वर्ग विशेष का नाम लेते हैं उनके वोट से जीतेंगे तो ये अपने आप को सेकुलर कहने का प्रयास। ठीक है, मैं मिश्रा जी से इसका जवाब ले लेता हूं। मिश्रा जी, ये बात तो ठीक है ना, ये बात तो ठीक है ना कि अगर बीजेपी कम से कम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से अपने कदम बहुत फूंक फूंक के रख रही है, वो बाबू कुशवाहा को न लाती तो शायद कुछ स्थिति और हो सकती थी, लेकिन कम से कम उसने सांप्रदायिकता के मुद्दे पर अपनी लाइन और लेंथ दोनों बदली। शेखर साहब, ये वही बीजेपी है आप जिसने राम जन्मभूमि के दौर में कहा था जो केवल तोड़ दो, तो जो लोग अपनी विचारधारा से, जो अपने मूल्यों से बार बार समझौता करते हों, सुख और सुविधा की राजनीति करते हों, वो लोग इस देश में सांप्रदायिकता की विचारधारा वाले लोग यदि सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो कम से कम पूरे देश को एक सुखद आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य हो रहा है, सुखद आश्चर्य हो रहा है, ये के मिश्रा जी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता है। बक्सर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये बात ठीक है कि अगर आप फर्ज कीजिए कि एक लहर ही चल जाए, जिस बात को मैंने महाना साहब के सामने रखा, तो उसमें मुस्लिम या बीजेपी दोनों को कम से कम एक बीच का रास्ता तैयार करना पड़ेगा, और क्या वही हो रहा है? देखिए, बीच का रास्ता ही जो है सही रास्ता है, मिडिल पाथ, क्योंकि एक्सट्रीम का रास्ता कभी भी, हिस्ट्री आप उठा के देख लें, पूरी तारीख पढ़ लें, एक्सट्रीमिज्म का रास्ता जो है वो कभी रास्ता समझा नहीं गया। बीच का, अब आप देखिए कि आप बात मोदी जी की कर रहे हैं, बल्कि बाला साहब ठाकरे को भी एक दफा बीच का रास्ता निकालना पड़ा था, जो कि बहुत ही कट्टर मुसलमानों के खिलाफ बोलते भी थे। मोदी जी के राज में मुसलमानों को मारा गया, ये ठीक है, इल्जाम है उनके ऊपर, लेकिन ये फैक्ट है कि मैंने मोदी की जबान से मुसलमानों के खिलाफ कोई गलत बयान नहीं सुना, जैसा कि बाला साहब ठाकरे से हमने सुना या संघ परिवार के और लोगों से। तो मैं सोचता हूं, देखिए सब चीजें सोच समझ के चलनी चाहिए। मान लीजिए कल अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ऐसा तो इतना आसान नहीं है कि सब धड़ों को लेकर साथ चलना पड़ेगा और सब लोग तैयार शायद उसमें ना हो, लेकिन कल को अगर ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मैं समझता हूं बीच का रास्ता मोदी जी को भी निकालना पड़ेगा और मुसलमानों को भी। और यहां मैं मोदी जी को, अगर उनके कोई चाहने वाले जानने वाले इस बात को मेरी सुन रहे हैं, तो मोदी जी को यह पैगाम दे दें कि हिंदुस्तान में जो भी प्रधानमंत्री बनता है और उस कुर्सी पे जाता है, बगैर मुस्लिम वोट के नहीं जा सकता। लिहाजा मोदी जी जो अब लाइन ले रहे हैं, मैं उस लाइन को गलत नहीं कहता, ना ही मैं कहता हूं अपॉर्चुनिस्ट है। ठीक है भाई, जो जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, वो तो वोटों की वोट मांगेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये काम मोदी जी की तरफ, मैं उसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता, जो उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी, तो ये काम मोदी जी को पहले करना हिसाब किताब हो सकता है। बात आकर के अटकती है वोट पर। राव साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब बीजेपी की सरकार बनी, तीन बार केंद्र में बनी, 98 से वो चलती भी रही 99 से, बीजेपी का अपना वोट बैंक 18% देश भर में इंटैक्ट हुआ, उसके बाद 6% वोट ऐसा था बीजेपी को जो मिला वो अटल जी की छवि पे मिला। मुझे याद है कि जब शाम के समय मगरिब की नमाज होने लगती थी तो अटल जी अपना भाषण रोक देते थे, और जब दोबारा शुरू करते थे तो तालियां भी बटोरते थे, वो अजान सुनते थे सब लोग उस समय। तो ये, और उसके बाद जो बाकी का एनडीए था उसके 6% मिला के 30% से इन्होंने सरकार बनाई। तो क्या मोदी ये 6% अपने खाते में खींच पाएंगे अगर बीजेपी का 18% इंटैक्ट मान लें? नहीं, जब मोदी पर बात होती है शेखर, तो हमें गौर करना पड़ेगा उस क्रमिक विकास का कि अजान पे भाषण रोकने के पहले हिंदू तन मन, हिंदू मन वाले कवि के पंक्तियों के रचयिता बदले हैं, अटल बिहारी वाजपेयी बदले हैं, हिंदू तनमन से लेके अजान पे भाषण रोकने का एक दौर रहा है। मोदी भी शायद उस दौर से गुजरे, बदले तो बात है, लेकिन मोदी की सबसे बड़ी बात यह गौर करना पड़ेगा, केवल हिंदू मुस्लिम करके नहीं, वो जो बार बार चाय बेचने वाला कह रहे हैं वो भारत के कॉरपोरेट इंडस्ट्री के नुमाइंदे हैं, वो गरीब मजदूर किसानों की बात नहीं करेंगे, वो जाति विग्रह की बात करेंगे, और कुल मिला के भारत के थैली शाहों के नुमाइंदे बनेंगे, इस पर भी गौर होना चाहिए शेखर। ठीक है सतीश जी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? गौर नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता की तरीके से बोल रहे हैं। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये लगता है कि मोदी का जो व्यक्तित्व इस समय दिखाई दे रहा है या जिसको बनाने की कोशिश की जा रही है, वो आपके वोट बैंक में इजाफा करेगा?
अटल जी की छवि से जैसा होता था। मोदी का नाम आज विकास के साथ जुड़ा हुआ है, मोदी का नाम प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है, मोदी का नाम राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा हुआ है। अरे गुजरात से बाहर वोट भी तो लेना है ना आपको, से जुड़ा हुआ है। नहीं वोट केवल वो वोट की बात नहीं होती, वो वोट वोट पूरे देश से हर आदमी को चाहिए, जो भी राजनीतिक दल है उनको वोट तो चाहिए ही होता है, वो वोट लेकर ही वो सत्ता के ऊपर आते हैं। कोई भी राजनीतिक दल तो वोट चाहिए तो कोई तरीका भी होगा। मैं राजनीति कर रहा हूँ भाई, कह रहा हूँ महाना साहब उसका तो तरीका भी होगा, तरीका राष्ट्रीयता का है, तरीका सबको साथ लेकर चलने का है, तरीका विकास का है, तरीका नौजवानों को रोजगार देने का है, तरीका इस देश को आगे बढ़ाने का है, तरीका इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक है, तो सबको साथ में लेकर चलने की बात है। मोदी को यह जरूरत क्यों पड़ी कि उन्होंने अलग से मुस्लिमों से सवाल पूछा? मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। हाँ। उन्होंने कहा कि इस देश में अच्छा मुसलमान चाहिए, उन्होंने कहा इस देश में अच्छा हिंदू चाहिए, उन्होंने कहा इस देश में अच्छा ईसाई चाहिए। हाँ। सबको अच्छा बनाने के वो प्रयास कर रहे हैं, इस बात को कहने की जरूरत है। तथाकथित सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों को डराने का काम करते हैं, उन्होंने कहा हम सबको साथ लेकर इसका सर्टिफिकेट भी क्या मोदी देंगे कि ईसाई अच्छे हो गए, हिंदू अच्छे हो गए, मुस्लिम अच्छे हो गए? ठीक है, मानस मैं जवाब लेता हूं, मेरा समय बहुत कम बचा है। जी सतीश जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में भी आप ये जो है मेरा जो संदेशा है वो पहुंचा दीजिए मोदी जी को। आज की तारीख में भी अगर मोदी जी कहीं ना कहीं जो गुजरात में दंगे हुए हैं और जिसका जख्म हर मुसलमान के दिल में, चाहे उन्होंने कराए नहीं कराए उसके उसके ऊपर खामोश हो जाते हैं, उसकी अगर वो माफी मांग लें तो वो एक हृदय सम्राट बन जाएंगे पूरे मुस्लिम समाज का, और हर हालत में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मुसलमान का दिल नर्म होता है, उसने कांग्रेस को जो है माफ किया था, उसने नरसिम्हा राव को माफ किया था, वो मोदी को भी माफ कर सकता है। अगर है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो ये रास्ता अपनाना होगा, उस पर खामोश अगर रहेंगे मोदी जी, दाएं बाएं करेंगे बात को, मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया के साथ मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज वक्त इतना ही, मुझे चर्चा तुरंत रोकने को कहा जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है कि अभी यह सिलसिला लंबा चलेगा, चर्चा भी चलती रहेगी। फिलहाल नमस्कार। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, इसमें है एक चौथाई मॉइस्चराइजिंग मिल्क, ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। Discover details like never before. New Intex Aqua i7 with 32GB internal memory. Live life in full HD. Sonalika Tractor hai naat ki pehchan. Desh ki sarvpratham heavy duty tractor range. अगर आप हाई स्कूल पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, उत्तर प्रदेश सरकार हर महीने 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे रही है। अब तक 10 लाख से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। अधिक जानकारी के लिए जिला सेवा योजन अधिकारी से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। Reflects my style. बीमारियाँ अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा, और अगर यहाँ से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन। इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है, लाइफ बॉय। नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणु, एक सुरक्षा, नया लाइफ बॉय। Masala, such, MBH, MBH.
अभिनेता अरुण जेटली ने कहा है कि पटना रैली में मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। 23 अक्टूबर को ही सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया था, जबकि गृहमंत्री शिंदे का कहना है कि धमाकों को लेकर सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। सुशील मोदी का कहना है ये नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश थी। पटना सीरियल ब्लास्ट के तार आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ते दिख रहे हैं। गिरफ्तार शख्स इम्तियाज ने खुलासा किया है कि आतंकी तहसीन ने धमाकों